नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल में। हम आपको बताना चाहेंगे यूपी के अंदर सपा और बसपा का जो गठबंधन हुआ था वो टूट गया है और इसका सीधा सीधा ठीकरा जो है मायावती ने अखिलेश यादव पर फोड़ दिया है। हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद है, बातचीत करेंगे उनसे। सर एक बात बताइए, यूपी के अंदर इतना विशाल गठबंधन हुआ था लेकिन जो है चुनाव के बाद तुरंत टूट गया और उसका जो ठीकरा है सीधा अखिलेश यादव पर मायावती ने फोड़ा है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मायावती को तो फायदा हुआ इस गठबंधन से, नुकसान उसे समाजवादी को हुआ। और वो ठीकरा किसी के ऊपर फोड़ती फिर उससे क्या है। और मोदी जी का तो कहना यही था कि टूटा गया 23 तारीख के बाद, चाहे ये सीटें सारी आ जाती इनकी 80 की 80, जब भी टूटता फिर आप क्या कहेंगे? ये गठबंधन नहीं था, ये ठगबंधन था। ठगों की सरकार बनाने के लिए न जाने कितने लोग अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री की जो सीट एक ऐसी सीट है देश के बारे में जो देश के हित में सोचता है। मोदी जी ने देश के लिए सोचा, मोदी जी ने देश के लिए जिया, मोदी जी ने इस देश का नाम किया। तो इन लोगों ने जो गठबंधन बनाया था ये तो एक औपचारिक बातचीत स्वार्थ के लिए बनाया था, जो कि अब मोदी जी ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि आने वाली 23 मई को जब रिजल्ट आएगा तो ये मायावती सबसे पहले पहल करेगी। तो सब लोगों ने देख लिया मायावती ने पहल की है, तो मायावती जी ने जो तोड़ा है संबंध अखिलेश से, अखिलेश को धोखा दिया है। तो अखिलेश को तो वैसे ही धोखा मिला क्योंकि 5 सीटें कुल, मुलायम सिंह जी ने पहले कह दिया था अखिलेश जी को केवल 5 सीटें मिली और उसको 11 मिली, तो बेनिफिट मिला मायावती को। तो ये तो टूटना था निश्चित। अच्छा सर एक बात बताइए, मायावती का कहना है कि जो सपा वोट है वो हमें नहीं मिला, यादव वोट हमें ट्रांसफर नहीं करवा पाया कोई भी नेता। एक बात बताइए, इन नेताओं ने लोगों को समझ क्या रखा है? क्योंकि जो वोट है वो तो अपनी मर्जी से डालेगा, वोटर कहीं भी डाल सकता है। ये आने वाले समय में आप देख रहे हैं ना, मायावती को जितने वोटर है जो उसके सपोर्टर है वे भी वोट नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने अपना अपना पेट भरा है, हाथी बना करके उनके अंदर माल लूट कर भर दिया गया, पैसा इकट्ठा करके देश का हाथी को ऊपर लगा दिया गया। तो आने वाले समय में मायावती के जो वोटर हैं वे ही मायावती को उखाड़ फेंकेंगे। रही सपा की बात, सपा तो अखिलेश जी है, अखिलेश जी को जो धोखा दिया मायावती ने, अखिलेश जी मायावती को कभी माफ नहीं करेंगे। आने वाले समय में अखिलेश कभी सोच भी नहीं सकते कि गठबंधन हम बनाए, ये मैं अपना सोचा था। क्या लगता है अखिलेश जी इससे उभर पाएंगे? नहीं उभर पाएंगे, बिल्कुल नहीं उभर पाएंगे। मायावती जी ने तो अखिलेश जी का सारा जितना भी वोट था वो सब बेकार कर दिया, क्योंकि मायावती तो 0 से 10 पर आ गई और अखिलेश 5 पर पहुंच गए, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, ये गठबंधन जो था किसी देश के लिए, किसी उसके लिए भलाई के लिए नहीं था, ये तो अपनी जान बचाने के लिए गठबंधन बना था, जिससे कि हम जो है हमारी जो मौत सामने खड़ी है उससे बचा कैसे जा, ये तो इसलिए हुआ था। टूट गया फिर वो दिक्कत आएगी, फिर हो जाएगा, इन्हें किसी देश की तो सोचनी नहीं। जो गठबंधन बना था वो तो इसीलिए टूटना था। अच्छा एक बात और बताइए, किसानों की एक पार्टी और हुआ करती चौधरी चरण सिंह की, लेकिन उसके बाद जो है उनको 3 सीटें मिली रालोद को, वो 3 सीटें भी हार गई, तो आपको क्या लगता है उस सीट का भविष्य क्या होगा? उस सीट का क्या होता है तो पहले ही सबको दिख रही थी जाने वाली है, क्यों वे भी करा तो किसानों के लिए कुछ नहीं उन्होंने, इसीलिए हार नहीं थे। अच्छा सर क्या कहेंगे, जो मायावती अखिलेश का विशाल गठबंधन हुआ था चुनाव के तुरंत बाद ही टूट गया, 3 बार भाजपा को धोखा दिया है, 3 बार, एक बार 3 बार जब भाजपा को धोखा दिया है, 6 महीने तुम्हारे 6 महीने हमारे, वो तो हमें पहले ही पता थी, मगर अब ये कहने के वो तो अखिलेश की गलती है, हमारी गलती नहीं है। 10 सीटें लेकर और वो ले उड़ी, उस बेचारे को 5 सीट मिल गई, तो कितनी दिक्कत है। अच्छा आपको नहीं लगता, मुलायम सिंह को तो पहले ही पता था, उन्होंने मना कर दिया था कि गठबंधन ना करें, तो उनके बात भी नहीं मानी, आपको नहीं लगता मुलायम सिंह पहले ही समझ गए थे कि आधा चुनाव तो पहले ही हार गए? मुलायम सिंह ने सबसे पहले ये कहा है, जिसने अपने बाप की कदर न करी उसका फायदा क्या है, उसका फायदा क्या है? मगर जिसके यहाँ अपने बाप की इज्जत नहीं है वो क्या करेगा, क्या करेगा? मगर फिर भी उन्होंने ये कहा है कि देखो, बात सुन लो, कि आप जो है मोदी जी, एक बात सुन लो मोदी जी, हमारे तो अवस्था नहीं है, मगर आप सरकार बना डालो। उन्होंने ये कही। अच्छा, इस गठबंधन का जो फायदा है वो कहीं ना कहीं मायावती को ही हुआ है, क्योंकि वो 0 से 10 पर आ गई। 100% फायदा हुआ, और ये होना ही था, ऐसा नहीं था, होना ही था, क्योंकि ये रस्से खोल ली है।
अच्छा, किसानों की पार्टियां रालो तीन सीटों पर लड़ी, लेकिन जो है जाटों ने भी वोट नहीं दिया, तो क्या लगता है इस पार्टी का भविष्य क्या होगा? जाटों ने तो दी है, मगर ऊपर वाला सब देखता है, इसको देने से नुकसान पड़ेगा, नुकसान पड़ेगा, नुकसान पड़ेगा। अच्छा, अब रालोद का भविष्य क्या होगा? अब वो इकली लड़ेगी, इकली ऐसी लड़ेगी, सबको परेशान करेगी, कोई सवाल है? तीनों अजीत हार गया, उसका जक्कत हार गया, एक और हार गया, खत्म। ये तो टूटेगा तो ही, ये गठबंधन क्यों बनाया गया था? ये चोर पार्टी तो थी, ये सारे चोर थे, सारे चोर। गौ कसी नहीं हो रही थी, मुसलमानों की चोरी वोरी नंबर दो का काम कर रखा था, तो क्या होता? टूटता तो है ही हो भाई, चोर चोर सारे इकट्ठे हो गए। अच्छा, जो सहारनपुर के अंदर है मुस्लिम बहुल इलाका है, और जो मुस्लिम वोट है वो सपा का वोटर माना जाता है, लेकिन वो सारा वोट तो जो है मायावती ने वहाँ से ट्रांसफर करवा लिया, तो क्या लगता है अखिलेश उभर पाएंगे इस झटके से? अजी बिल्कुल नहीं उभर पाएंगे, बिल्कुल भी, ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता जो उभर जा, क्योंकि ऐसा है ना, सब मायावती ने शिफ्ट हो गया काम, मोमडन जितने भी है। अच्छा, मुलायम सिंह ने चुनाव प्रचार भी नहीं किया, उन्हें पहले ही पता था कि हार होने वाली है, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? अजीत देखा नहीं, उन्होंने पहले ही कह दिया था मोदी जी जीतेंगे, पर लड़का मानना तो नहीं, उसका जाकत मानना तो नहीं, उसका जाकत मानना नहीं। मायावती को उम्मीद है कि शायद मुसलमान उसके पास आ जाएंगे, और अभी तक कास्ट पॉलिटिक्स में फंसी हुई है, बीजेपी कर रही है काम ग्राउंड लेवल पे, तो ये जब तक मायावती मैडम और अखिलेश को समझ में नहीं आएगा, जब तक इनके बहरे कानों में वो नहीं घुसेगा विकास कार्य। अब देखिए आप कितना विकास कार्य होगा हमारे एनसीआर में, आप देखिए डबल रेलवे लाइन हो गई, ये कांग्रेसियों के और इनके राज में क्यों नहीं हुई थी? मेरठ से मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर से अब वहाँ जा रही है, वो आपका वो बन गई है दिल्ली के चारों तरफ रिंग रोड, है ना, क्या कहते हैं उसे, वेस्टर्न पेरिफेरियल, ईस्टर्न पेरिफेरियल, तो इसमें तो मतलब ये कास्ट का कहाँ घुस गया? अब ये अब भी वो कह रही है अपने उसमें कि साहब वो मुसलमान यूँ नहीं दिया, और वो श्रीलंका यूँ नहीं गया, यादव यूँ नहीं गया, तो वो सारे वो सन 76 में चौधरी चरण सिंह और यहाँ और वहाँ जब वो कांग्रेसी एक कांग्रेस का वो हुआ करता था प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट, वो ये हिसाब लगाया करता था बैठ करके कांग्रेसियों ने कि ये ब्राह्मण है, ये यूँ है, ये यूँ है, वो पॉलिटिक्स टूट रही है अब। अच्छा सर, आपने बात की चौधरी चरण सिंह की, उनकी भी पार्टी थी रालोद, लेकिन जो वह सिमट कर तीन सीटों पर आ गई, उसके बावजूद तीन सीट भी हार गई, वही है इनका अब कोई बेस नहीं रह गया, कास्ट बेस था, कास्ट बेस अब नहीं रह गई है पॉलिटिक्स। अब मोदी हैज स्टार्टेड समथिंग न्यू इन दिस कंट्री, तो वो काम चल रहा है, वो ये समझ नहीं पा रही, वो पुराने अलिप बे पे ते पड़ रही है, और वो आपके फिर आपके वो ये सोच रही कि तुमने अखिलेश यादव के मुसलमान तोड़ लिए, वो सोचे अच्छा इन्हें, मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा कि साहब वो कोई संघी था स्वयंसेवक संघ का, और उसने कोई यादव औरत थी उसको एक बधाइयों में वो दिया सिलेंडर का वो, तो शी कुड नॉट बिलीव हर आइज कि एक जिस आदमी की कोई जान पहचान नहीं, यादव नहीं, और वो आकर के मुझे दे देगा, और उसका रिजल्ट आज दिख रहा है। जैसा मायावती कह रही है कि यादव वोट जो है ट्रांसफर नहीं हुआ, नेताओं ने ट्रांसफर नहीं करा, ये तो वोटर की अपनी मर्जी है, कहीं भी वोट दे सकता है, तो नेताओं के हाथ में क्या है वोट ट्रांसफर कराने का? तो वही तो बात है ना, कास्टिज्म का अगर आप वो लेके चलेंगे वो क्या कहते हैं ठेकेदारी, तब तो हो जाएगा, जो पहले चलती थी अब नहीं चल रही है। अब तो आदमी ये देख रहा है ना कि जैसे मैंने बताया ना बधाइयों में उसने दिया होगा वोट अगेंस्ट यादव। अच्छा, जो मुलायम सिंह यादव थे उन्होंने मना किया था गठबंधन करने को, पहले भी मना किया जब कांग्रेस के साथ किया, अब भी मना किया? ये दोनों चाहे कुछ कर ले, अब अलग रह के लड़ ले और चाहे रह के लड़ ले, ये अब टिकेंगे नहीं पॉलिटिक्स में, ये बिल्कुल अखिलेश यादव को और इनको सोचना पड़ेगा, और राहुल गांधी को भी, कांग्रेसियों को भी ये सोचना पड़ेगा कि अब भैया काम करने से काम वो होगा। यूपी के अंदर इतना विशाल गठबंधन होता है, लेकिन चुनाव खत्म हुआ गठबंधन टूट गया, कहते थे कि ये गठबंधन लंबा चलेगा। हाँ जी, नहीं मैन क्या है कि ये तो कहीं की ईट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, वो वाली है कि उधर से मायावती जो हमेशा अंगेष्ट रहती थी सपा के, उसने भी जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के विकास को देखते हुए गठबंधन किया, और जो लोक दल से थे गठबंधन में तीसरी पार्टी, वो तो अपना जो है कभी भी किसी, वो तो सत्ता के लालच में थे, इनको इस बार दिख रहा था कि गठबंधन करके शायद बीजेपी को थोड़ा चोट पहुंचा सके यहाँ पे, बट वही अब वोटर जागरूक है
ठीक है नहीं। अब मैं टैक्स पे करता हूँ, अब मेरा पैसा जो ऐसे जो है अभी क्या है, देखो केजरीवाल ने क्या किया कि मुफ्त महिलाओं के लिए, अरे वो जो टैक्स पे कर रहा है उसको कभी पूछती है गवर्नमेंट? तो ऐसे ही बसपा में है कि अपना जो है जो भी उनकी अपनी कास्ट को सपोर्ट करते हैं, यही सिस्टम है इनका, कोई विकास का मुद्दा कभी रहता नहीं। बीजेपी ये है कि कास्ट से ऊपर उठ के देश के बारे में सोच रही है, इसीलिए पब्लिक ने मोदी जी को पहले क्या था कि लहर कहते थे, इस बार तो सुनामी है। मुलायम सिंह ने गठबंधन करने से पहले ही मना किया था, जब आधी सीटों का बंटवारा हुआ तो मुलायम सिंह ने तभी कह दिया था कि आधा चुनाव तो हम अभी हार गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अखिलेश यादव नहीं माने, क्या कहेंगे? देखो मुलायम सिंह क्या है कि राजनीति के पुराने अखाड़े के पहलवान रह चुके हैं, ठीक है नहीं, वो चौधरी चरण सिंह के टाइम से पॉलिटिक्स करते आ रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं दिख रहा था कि उनको अपना खुद का वोट बैंक ट्रांसफर ना हो जाए, और हुआ भी वही। अब सपा को तो लॉस कितना है और बसपा को कितना बेनिफिट है, इसका बेनिफिट ही मायावती को मिला है गठबंधन का। तो जैसे यूपी के अंदर जो है भाजपा का अपना वर्चस्व बन गया है, तो क्या लगता है भाजपा को यूपी के अंदर कोई ऐसी पार्टी अब जो है टक्कर दे पाएगी, क्योंकि मायावती ने कहा कि उपचुनाव में अकेले चुनाव लड़ेगी? देखो गठबंधन करके वे देख चुके हैं, और पहली बार मेरे हिसाब से बसपा का भी उपचुनाव तो लड़ती नहीं थी, पहली बार आ रही है। लेकिन अब आप देखिए यूपी के अंदर क्राइम बिल्कुल नील है, अभी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का स्टेटमेंट आया था कि आप क्राइम कंट्रोल यूपी से करना सीखे, तो यहाँ की पब्लिक अब रात को 10-11 बजे कहीं भी घूम सकते हैं, तो अब इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता मायावती क्या बोल रही है या अखिलेश क्या बोल रहा है। भाई अब तो जो है बीजेपी राज चलना है, विकास का मुद्दा है सबका, भाई थोड़ा रोजगार वाला है, अभी इस पर देखते हैं क्या करते हैं। वैसे पहले से अपना उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश हो चुका है, यह गठबंधन था ही मौका प्रस्त गठबंधन, तो इस गठबंधन के टूटने की कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये तो टूटना ही था। मोदी जी ने पहले ही कहा था कि परिणाम के बाद, चुनाव परिणाम के बाद ये गठबंधन टूटने हैं, और वो उनकी बात सत्य हुई है। अच्छा सर, इसका फायदा आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जो मायावती को मिला है, क्योंकि 0 से 10 पर आ गए, अखिलेश 5 पर पहुंच गए? हाँ, इसका अखिलेश जी को नुकसान हुआ और मायावती जी को फायदा हुआ, सीधे सीधे दिख रहा है जी। ये गठबंधन नहीं था, ये ठगबंधन था, और अपने स्वार्थ के लिए मायावती जी ने इसको किया था। अब उसका स्वार्थ समाप्त हो गया, उसको एक सीट नहीं थी, अब उसको 10 सीट मिल गई, तो वो उसका स्वार्थ पूरा हुआ, वरना पब्लिक के लिए उसने कुछ नहीं किया, ना पब्लिक का इसमें कुछ हित करा। अच्छा सर, आपको नहीं लगता इस गठबंधन का फायदा जो है मायावती को ही हुआ है, क्योंकि वो 0 से 10 पर पहुंच गई और अखिलेश 5 पर आ गई? हाँ बिल्कुल सही बात है, ये केवल मायावती को ही लाभ हुआ है, और इसी लाभ की वजह से उसने ये गठबंधन किया था। अखिलेश जो है वो इस बात को नहीं समझ पाए कि मेरा भी इसमें कोई स्वार्थ फायदा हो जाएगा, उसने भी सोचा कि मेरा इसमें ज़्यादा सीट आ जाएगी, उसकी सीट कम हो गई। अच्छा, मायावती का कहना है कि जो सपा के नेता है वो यादव वोट ट्रांसफर नहीं करा पाए, तो आपको क्या लगता है इन लोगों ने वोटरों को समझ क्या रखा है, क्योंकि नेता के हाथ में थोड़ा होता है वोट ट्रांसफर कराना? बिल्कुल सही बात है, ये वोट ट्रांसफर नहीं हो पाए, इन्होंने अपने स्वार्थ को आगे रखा, इसलिए ये वोट ट्रांसफर नहीं कर पाए, और पब्लिक को इन्होंने बेवकूफ समझ रखा है, जबकि पब्लिक इतनी जागरूक हो चुकी है कि वो हर चीज को समझती है। अच्छा, एक किसानों की पार्टी भी हुआ करती थी रालोद, जिसको केवल 3 सीट मिली, तीनों की तीनों सीट हार गए, क्या लगता है इस पार्टी का भविष्य आगे क्या होगा? ये पार्टी बिल्कुल समाप्त हो चुकी, इसका आगे कोई भविष्य नहीं है। अच्छा, मुलायम सिंह यादव थे चुनाव प्रचार से भी दूर रहे, उन्होंने अखिलेश को पहले ही मना कर दिया था, उन्होंने तब कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, तब भी मना किया था, अब भी मना किया था, तो क्या लगता है मुलायम सिंह कितने सही थे अपनी जगह? मुलायम सिंह बिल्कुल सही थे, उन्होंने संसद में यहाँ तक कह दिया था कि दोबारा प्रधानमंत्री मोदी जी ही आएंगे और आना भी चाहिए, तो पब्लिक उसी दिन समझ गई थी कि ये मुलायम सिंह सही है, अखिलेश सही नहीं है। अच्छा, जैसा अब की बार जो है मायावती अकेला चुनाव लड़े, क्या लगता है भाजपा को टक्कर दे पाएगी? बिल्कुल नहीं दे पाएगी, कोई भी दल इसको टक्कर अब नहीं दे पाएगा, ये इतना आगे निकल चुका है, देश हित के लिए राष्ट्र हित के लिए लगे हुए हैं ये लोग, और बहुत ही आगे ले जा रहे हैं युवाओं को भी और देश को भी।